नमस्कार दोस्तों, बैट एंड बॉल बडीज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, विराट कोहली को टेस्ट सीरीज से बाहर होने की खबर ने क्रिकेट जगत को एक बड़ा झटका दिया। इस समय भारतीय टीम के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के शुरुआती 2 मैचों के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें विराट कोहली की भागीदारी नहीं होने की खबर का सामना करना पड़ेगा। बीसीसीआई ने विराट कोहली के इस फैसले का समर्थन दिया है और उनकी व्यक्तिगत कारणों का समर्थन किया है। कोहली ने इस मामले में कप्तान रोहित शर्मा, टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं से बात की है और उन्होंने देश का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमेशा तैयार होने का आश्वासन दिया है। बीसीसीआई ने मीडिया और प्रशंसकों से अनुरोध किया है कि वे विराट कोहली की गोपनीयता का समर्थन करें, उनके व्यक्तिगत कारणों से उनके नेचर पर अटकलें ना लगाएं। टेस्ट सीरीज में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ही ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। विराट कोहली का टेस्ट करियर भारत के लिए उनके योगदान को देखते हुए समाप्त हो रहा है और उनकी शानदार रिकॉर्ड की बातें हर क्रिकेट प्रेमियों को गर्वित करती है। इसके बावजूद उनकी बाहर की खबर ने खेल की दुनिया को चर्चाओं का केंद्र बना दिया। टेस्ट सीरीज का शुरुआती मैच 25 जनवरी को हैदराबाद में होगा और यह दोनों टीमों के बीच महत्वपूर्ण मुकाबले की शुरुआत करेगा। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम और इंग्लैंड के स्क्वाड में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के साथ उतरेगी। आखिरकार विराट कोहली की आगामी रिप्लेसमेंट की जानकारी का हम इंतजार कर रहे हैं, जो उनकी टेस्ट करियर की एक नई दिशा को दर्शाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।